प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष अपनी माँ और हमारे कार्मेल स्कूल की पूर्व शिक्षिका मिसेस मारिया गुरेती कुजूर की डॉक्यूमेंट्री पेश करने जा रही हूँ, जिसे बनाया है उनके ही अपने एक स्टूडेंट और मेरे पसंदीदा क्लासमेट मिस्टर विक्रम यादव ने। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है साथ में बैठे, इतने सालों बाद हमारा ड्रीम था कि मतलब एक बार साथ में बैठे बहुत टाइम बाद टाइम में गैस को खत्म किए हुए स्कूल कम्प्लीट किए हुए, तो आज मौका मिला है कि हम अच्छे से बात कर सकें, सारे मोमेंट्स को फिर से ताज़ा कर सकें। मैंने अपने स्टूडेंट्स से मिलना तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब वो जब छोटे छोटे थे उस समय तो उतना मैंने ज्ञान भी नहीं था, लेकिन अभी जब बड़े हुए तो समझ में आता है कि हाँ हमारे टीचर का क्या वैल्यू है ना, तो सब समझ में आता है। तो अच्छी बात है, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे हम लोगों को भेजते हैं और इतना आदर सत्कार देते हैं, हम लोगों को अच्छा लगता है ये सब देखने के लिए और साथ में बैठ के बात करने के लिए तो भी अच्छा लगता है। मैं स्टार्टिंग कैसे हुआ टीचिंग में, आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ? पहले तो बच्चे सब छोटे छोटे थे, इसमें कुड़ू में रहता था तो वहाँ से, उसके पहले भी मैं टीचिंग करती थी जब शादी नहीं हुई थी, उसके पहले से मैं टीचिंग करती थी अलग अलग इसमें क्रोस में। फिर वहाँ से शादी होने के बाद में छोड़ दी, तो टीचिंग लाइन छोड़ दी और यही बच्चों का देखभाल करने लगी। फिर वहाँ से जब ये यहाँ से हम चले गए घर, जहाँ जहाँ उनके पापा का पोस्टिंग था उधर ही हम लोग साथ में रहने लगे। फिर वहाँ से जब हम लोग यहाँ आए गुरु आए, तो उस समय बच्चे छोटे थे, तो उस समय भी हमको मन था करने का, लेकिन बच्चों का देखभाल करना जरूरी था ना, इसलिए फिर ज्वाइन नहीं किया। हालांकि जो पहले में पढ़ाते थे ना वहाँ के शिष्य लोग उसको वहाँ तक लेने आई थी कि चलिए आप फिर से ज्वाइन कीजिए, हम बोले देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं कुछ छोड़ देने के देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं वहाँ नहीं गई। फिर हम लोग 1991 में हम कराची आ गए, उसमें उनके पापा का ट्रांसफर हो गया यहाँ इधर कराची आ गए। तो फिर यहाँ सब अब स्कूल जाना शुरू कर दिए, हमको भी लगा कि चलो हम भी ज्वाइन करते हैं। तो फिर ये थी जर्मन लकड़ा याद करते हैं ना, हाँ तो वही जर्मन लकड़ा उसने चलो वहाँ बात करके देखते हैं, तो चला। तो फिर हम लोग वहाँ गए, फिर मेरी एक चचेरी बहन थी वो उसे भी उसके साथ भी गए, तो ठीक सिस्टम मेरेशियन थी, और उसके पहले तो मैं बच्चों को या बड़ी आभारी दी थी उसको लेकर के स्कूल जाती थी, तो उनसे भी बात होता था, सिस्टर से भी बात होता था, तो सिस्टर हमसे थोड़ा परिचित हुई, वो खुद ही मुझको बोली हम लोग स्कूल में पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। हमारे सिस्टर खुद ही प्रिंसिपल खुद ही हमको बोल रहे हैं, तो जरूर पढ़ा वहीं से मेरा शुरू हुआ। और उसके बाद से ही जब भी स्कूल में टीचर लोग नहीं रहते थे ना, कोई तो टीचर एबसेंट रहते थे, तो सिस्टर मुझको सब्स्टिट्यूट में बुलाने लगी, तो मैं सारा अपना काम धाम छोड़ करके आती थी। तो वैसे ही 3 महीना तक लगा था, ये मिस स्कॉलास्टिका उसको जान रहे क्लास वन में पढ़ाती थी, तो मिस स्कॉलास्टिका का भी थोड़ा सा ये सब हुआ कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो 3 महीने के लिए छोड़ दी, तो उसके स्थान में 3 महीना काम किया। उसके बाद ऐसे ही टाइम बीतते गया, फिर अगला साल आया 1992, तब सिस्टर मुझको ज्वाइन कर दिया, बहुत अच्छा लगा। चलो और बच्चे भी छोटे थे, साथ साथ हम लोग निकल जाते थे स्कूल से, मैंने घर से सारा अपने सुबह में जल्दी जल्दी करो, खाना बनाओ, टिफिन डालो सबके लिए, और उसके बाद में हम लोग एक ही साथ लोग करके एक साथ निकल जाते थे। फिर जब छुट्टी होती तो सब एक साथ छुट्टी होता था, सब एक साथ घर आ जाते थे। इस तरह से
मेरा शुरू हुआ कार्मल स्कूल में। फिर तो होते गया, फिर बाद में क्या, फिर वहाँ से हाँ उस तरह से मेरा कितना 92 से 2012 तक मैं अपना सर्विस थे कार्मल स्कूल। हाँ